वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। माय नेम इज जसदीप कौर, आई एम अ करियर काउंसलर, वेलबींग कोच एंड अ पब्लिक स्पीकर। टुडेज मॉर्निंग हुक्मनामा फ्रॉम श्री दरबार साहिब अमृतसर इज बाय श्री गुरु नानक देव जी इन राक्सु ही अंग 729 ऑफ श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी। पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर अपनी जिंदगी विच अमल करते हैं। सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी सूही महला पहला कर छेवा इक ओंकार सतगुरु प्रसाद। उजल कहा चिलकणा को टिम कालड़ी मस तोतिया झूठ न उतरे जेसो तोवा तिस सज्जण से ही नाल मैं चलदिया नाल चलन जिथे लेखा मंगिए तिथे खड़े दिसन रहाओ। विच मीन्स ब्रॉन्ज यूटेंसिल ग्लिटर्स मच शाइनिंगली बट इमिट्स ब्लैक इन कलरेशन ऑन रबिंग इट। इट्स लेटेंट इम्प्योरिटी डज नॉट एंड इवन ऑन वॉशिंग इट 100 टाइम्स। Similar is worldly human body's condition, which is stained by evil-mindedness from within, but it tries to demonstrate itself as much pious and adorable from outside. My real friends are who travel with me in this world and accompany me also to the next world. They also stand in divine court, helping me to clear life deeds accounts successfully. Now let's relate this with our day-to-day life so that we can implement it today. Now Sajjan was a thug once. He got transformed after listening to this Shabad of Guru Nanak Dev Ji. But still we call him Sajjan Thug. So may we all ask ourselves one question, how many Shabads we have listened to? That's why implementation of Gurbani is important. We all are products of our habits, we all are victims of our habits. सज्जन पहले मनिया जाता है कि वह बुरा इंसान नहीं सी, तो लंबा टाउन है पाकिस्तान में जिथे उसने एक धर्मशाला खोली जिथे वह आन जान वाले राहियों की हेल्प करता सी। आन जान वाले राही मुसाफिर उत्थे विश्राम कर सकते सी, रात काट सकते सीगे। पर टाइम पैनते सज्जन दे मन विच खोट आ गई क्योंकि वह आन जान वाले मुसाफिर कई उन्हां च बड़े अमीर भी होंदे सी, उन्हां कोल काफ़ी वैल्यूएबल्स होंदे सी। उसने की कीता, उन्हां नूं लुटना शुरू कर दिता ते रात नूं उन्हां नूं मार दिंदा सीगा। एक दिन उस राह विच आके गुरु नानक देव जी भाई मरदाने नाल रुके। भाई मरदाने कोल रबाब सी, रबाब इज़ अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, और उसने उसनूं बड़े सोहने कवर नाल कवर कीता होया सी। सज्जन मिस्टुक इट एज वैल्यूएबल्स, उन्हें सोचा कि शायद इस दिन अंडर बहुत सारे हीरे जवाहरात ने, राती मैं इन्हां नूं लुट लवांगा एंड आई फिनिश दैम। जदों थोड़ी रात पई, गुरु नानक देव जी ने भाई मरदाने नूं कहा कि रबाब निकाल, शब्द गाने आ। भाई मरदाना जी ने रबाब कढ़िया एंड ही स्टार्टेड प्लेइंग दिस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। दैट वॉज द टाइम वैन गुरु नानक देव जी uttered these beautiful words and Sajjan Thug got transformed. Ujjal keha chilkna ko tim kalri mas totiyan jhooth na utare jeso tova tis. Means assi baro kinne bhi chamak jaiye, no kinne bhi acche kapde pa liye, makeup kar liye, jo bhi kuch assi kinna bhi apne aap nu sach sawar liye, but if we डोंट वर्क ऑन अवर हैबिट्स, अगर साड़ी जिंदगी किसी दे काम नहीं आंदी, वी आर नॉट कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन दिस सोसाइटी, असी अपने काम ठीक तरह नहीं कर रहे, असी अपनी हैबिट्स से मोस्ट इंपॉर्टेंटली काम नहीं कर रहे, तो किसी भी चीज़ का कोई फायदा नहीं है। सो अज का हुक्मनामे तो बहुत वड्डी सिक्ख्या मिलती है दैट लैट्स वर्क on our habits, let's contribute in the lives of others. और इसी चीज़ में असी प्रैक्टिस करते हैं, देखिए कि कितने कितने साडे लाइफ के पैटर्नस ने जिन्हों ब्रेक करना जरूरी है, बिकॉज वो पैटर्न सानू लाइफ विच अगे ही नहीं वधन दे रहे। दैट्स वाई आई सैड वी आर विक्टम्स एंड ऑफ आवर हैबिट्स एंड वी आर प्रोडक्ट्स ऑफ आवर हैबिट्स। तो लेट्स वर्क ऑन आवर हैबिट्स, लेट्स ट्रांसफॉर्म दैम सो दैट आवर लाइफ बिकम्स वैल्यूबल, असी किसी के काम आ सकी और सोसाइटी विच कॉन्ट्रीब्यूट कर सकी। सो अज के हुक्मनामे नू असी इंप्लीमेंट करके देखते हैं। सो इस चीज़ से इंट्रोस्पेक्ट करो, इंप्लीमेंट इट एंड दैन शेयर योर एक्सपीरियंसिस विद मी। टेक केयर, बी बैलेंस्ड, बी हैप्पी। वाहेगुरू जी का खालसा, वाहेगुरू जी की फतेह।
Why?